अडानी के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन अब चरम पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को झारखंड कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। रांची में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में आला नेताओं ने SBI और LIC के दफ्तर के बाहर धरना दिया और केंद्र के खिलाफ जमकर हमला बोला। मौके पर कांग्रेस नेता अजयनाथ सहदेव ने कहा कि जिस तरह से सरकार के दबाव में जनता के गाड़ी कमाई का पैसा अदानी समूह की कंपनियों में निवेश कर दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि यह दोनों सरकारी संस्थान किसी के आम जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी समूह के लिए बनाया गया था। वहीं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि जिस तरह से मोदी ने अपने मित्र गौतम अडानी के लिए नियमों को ताक पर रख दिया है, उसे लगता है कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव नहीं बल्कि मित्र महोत्सव काल चल रहा है। अडानी और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते रहे वो आज के नहीं है, जब ये मुख्यमंत्री थे और दुनिया में इनको जब वीसा नहीं दे रहा था गुजरात दंगे के बाद, तो अडानी के ही जहाज से ये दुनिया घूमे थे। ये अडानी के लिए एक प्रधानमंत्री कैसे राजनीति करता है, इसका उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया में कोल ब्लॉक इन्होंने राजनीति करके अडानी को दिलाया, वहाँ के पार्लियामेंट में इस पे बहुत हंगामा हुआ है। आज अडानी जो जीरो से उठ के 120 मिलियन का और दुनिया का थर्ड रिचेस्ट आदमी के दर्जा में पहुंच गया, उसका ड्यूरेशन अगर देखिए तो ये 4-5 साल। और ये घटना जो आज गुब्बारे की तरफ फटी है, जितने हमारे इंस्टीट्यूशन थे, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, चाहे LIC हो, चाहे SBI हो, चाहे बैंक हो, उसके शेयर धड़ाधड़ गिर गए और 200,000 करोड़ रुपया का LIC को नुकसान हुआ। LIC में कौन देता है? LIC कहता है ना कि जीवन के पहले और जीवन के बाद, जो जीवन के बाद 4 पैसा अपने परिवार के सुरक्षा के लिए लगाते हैं उनका तो पैसा चला गया। जो रिपोर्ट, तो ये चौतरफा इस बेईमान का बेईमानी से असर होता है। और ये सिर्फ इसलिए कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अडानी का ग्रोथ प्रधानमंत्री के पार्टनरशिप से बढ़ा है, न कि बिजनेस से बढ़ा है, झूठ से बढ़ा है। अडानी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, यही हर जगह मैनेजिंग डायरेक्टर लगाते हैं, और इसलिए जितना पैसा चाहते थे इनको मिल जाता, वहाँ से गारंटी मिल जाता। ऐसे सारे स्थिति में आज देश सबसे बड़ा खतरे में फंस गया कि हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, कि हमारा सबसे धनवान आदमी अगर इतना बेईमान है तो कौन हिंदुस्तान के बिजनेस पैटर्न को विश्वास करे। इसलिए हम JPC का मांग रहे हैं, इसलिए हम सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का मांग रहे हैं कि उनके द्वारा जांच कराया जाए। अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते, अडानी के ग्रोथ, सेबी और जो हमारे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का क्या रिश्ता रहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता रहा, ये तमाम जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे जो जांच जो नजर रखते थे वो अपना आँख बंद कर दी, इसीलिए ये ग्रोथ। आज LIC और SBI के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन LIC और SBI नहीं बल्कि मोदी और अडानी के संबंधों के खिलाफ है कि ये जो अडानी का जो एक अननेचुरल ग्रोथ हुआ और इसमें LIC के पैसे, SBI के पैसे, जिसमें आम लोग जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनका पैसा लगा हुआ है, उसके पैसे का दुरुपयोग हुआ है। और जिस तरीके से आडंबर से BJP आज के दिन में सत्ता में है, तो अडानी को भी कहीं ना कहीं दुनिया का विश्व का सबसे रिचेस्ट आदमी दिखाने के अपने जो उनका शौक था इसको पूरा करने के लिए सब किया गया है। और कांग्रेस पार्टी JPC गठन का डिमांड करती है, JPC का गठन हो और उसके द्वारा जांच हो और ताकि सही बात जो है वो जनता के सामने आ सके। और ऐसा नहीं है कि यह अचानक हुआ है कि जिस तरीके से अडानी को अनड्यू फेवर्स दिए गए हैं, जिस तरीके से उनके फंडामेंटल जो उनकी बुनियाद उनकी मजबूत नहीं थी और उसके बाद उनको LIC और SBI ने इतने पैसे दिए, और आज उस कंपनी के एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जिसमें उनके कार्य प्रणाली को, उनके फजिंग को, उनके फ्रॉड को जब दिखाया जा रहा है, तो वो नेशनलिज्म का, देशभक्ति का जामा पहना के वो रोना रोते हैं कि नहीं, मैं एक देशभक्त कंपनी हूँ।
यहाँ पे मुझे लगता है आम लोग, जो गरीब लोग, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने अपना पैसा SBI और LIC में लगाया हुआ है, इनका पैसा न डूबे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बात की डिमांड करती है कि अडानी और प्रधानमंत्री के संबंधों का, किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक लाभ लेके अपने कंपनी को ऊपर लेके गए, किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया और किस तरीके से गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो लेके गए, इस पर जाँच होनी चाहिए और JPCC गठन तुरंत होना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।